क्रिकेट सेंट्रिक थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं। लाहौर कलंदर्स अगर देखा जाए पिछले अगर आप फर्स्ट फाइव या सिक्स सीजन देखें दे वर द टीम विच वर डाउन एंड आउट, लेकिन उनको जैसे फवाद साहब ने कहा वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है बट दे आर वेरी एक्टिव ऑन ग्राउंड इज वेल। जिस तरह के प्लेयर्स उन्होंने हारिस रऊफ, शाहिन शाह अफरीदी, फखर जमान, द काइंड ऑफ प्लेयर्स दैट दे हैव गिवन टू पाकिस्तान इज आउटस्टैंडिंग। सो दे स्टैंड आउट इन टर्म्स ऑफ ऑल ऑफ द अदर टीम्स जितना वो ऑन ग्राउंड काम करते हैं, उन्होंने जिस तरह की अकेडमीज डेवलप की हैं। सो जैसे आपने कहा कि ये प्लेयर्स ने ड्राइव करते हैं अपनी टीम को और व्यूअरशिप को, सिमिलरली दिस काइंड ऑफ फ्रेंचाइजेज आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द पाकिस्तान क्रिकेट। सो हाउ डू यू सी ऑल ऑफ देयर एफर्ट्स? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, मैं फील करता हूँ कि तमाम फ्रेंचाइज जो टीमें हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो उनको अगर नंबर देने होंगे तो लाहौर कलंदर्स को देने होंगे, बिकॉज इन्होंने बहुत ही डीप जाके काम किया। नो डाउट, एकेडमीज बनाई, टैलेंट एंड प्रोग्राम्स किए। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी टू सम एक्सटेंट शुरू किया, पिशावर जलवी ने भी टू सम एक्सटेंट शुरू किया था, मुल्तान सुल्तान भी अपने वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन जिस स्केल के ऊपर लाहौर कलंदर्स ने काम किया, जो आपने पिछले चार से पाँच साल जब शुरू में वो थे, उनका जो रीज़न था उसका रीज़न ये था कि उस वक्त उनके उस टीमों में और उनकी मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी नहीं थी। अगर उस वक्त आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चॉपिंग एंड चेंजेस हो रही थी उनकी टीम मैनेजमेंट में, उनके प्लेयर्स में। लेकिन जब से इन्होंने एक स्टेबिलिटी लेकर आए हैं, आकिब जावेद को जब इन्होंने इन्वॉल्व किया, उसके बाद उसको पूरा इन्होंने एम्पावर किया कि ठीक अब आप देखें, और उसके बाद उसने आकिब ने जिस किस्म के प्लान्स लेकर आया, जिसमें आप देखेंगे जितने भी यंगस्टर्स हैं, जैसे अब ताहिर बेग है, ये ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं जो कि ये लोग अपने टैलेंट के ज़रिए उनको फिर पिक करके अपनी ट्रेनिंग उनको देते हैं अपनी एकेडमी में। एकेडमी की डेवलपमेंट जो है ना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है लाहौर कलंदर की सक्सेस में। बिल्कुल सही है फवाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।